बॉबी पवार व उनके साथियों की कल रात को रिहाई हो गई है और जो बेरोजगार युवा हैं वो अभी भी शहीद स्मारक पर डटे हैं। दिखाने की कोशिश करूंगा ये युवा बेरोजगार बॉबी की रिहाई के बाद भी शहीद स्मारक पर डटे हैं और अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं। पहले इनकी एक मांग थी कि बॉबी की रिहाई और सीबीआई की मांग इनकी अभी भी है और ये शहीद स्मारक पर डटे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा बॉबी पवार की रिहाई हो गई है और आप शहीद स्मारक पर डटे हैं अभी भी, अब प्रशासन से आप क्या क्या मांग कर रहे हैं? हम देखो शहीद स्मारक पर डटे रहने का हमारा एक कारण था कि हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बॉबी भाई और हमारे अन्य साथियों की रिहाई तो हो गई है किंतु जो हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे उस पर कोई फैसला भी सरकार ने नहीं लिया। हमारी मांग है कि परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच करी जाए और अगर प्रशासन चाहता है कि ये यहाँ से शिफ्ट करें अपना सत्याग्रह तो मैं प्रशासन से और हमारे सभी साथी प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि आप हमें शहर के बीच में कहीं स्थान मुहैया कराएं, चाहे वो गांधी पार्क हो या फिर परेड ग्राउंड हो, इन्हीं दो स्थानों पर हमारे साथियों संग हमें अनुमति प्रदान करी जाए क्योंकि जो बॉबी भाई और हमारे अन्य 13 साथी हैं उस सत्याग्रह की रीड है, उन साथियों संग हमें वहां पर सत्याग्रह की अनुमति प्रदान करने की गुजारिश है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा बॉबी पवार की रिहाई हो गई, उनके साथियों की रिहाई हो गई, क्या आपका कुछ ऐसी वार्ता हुई है, आगे की प्लानिंग क्या है आप लोगों की, कब तक बैठे रहेंगे और आगे किस तरीके से कहां पर बैठेंगे? आज से बात हुई है, वही ऐसी बात हुई कि वही आगे प्लानिंग यही है कि अभी जब तक मैं सीबीआई जांच मांग हूँ मतलब यही बैठे। अच्छा आपसे मैं जानना चाहूंगा प्रशासन के लोगों से क्या वार्ता हो रही है आपकी? अभी तक प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई, अभी हमारे एक डीएम मैडम से एक ज्ञापन हम भेजेंगे तो उसमें हम ये बात रखेंगे कि हम कोर्ट और सभी सरकार के नियमों का पालन करेंगे परंतु हमारे जो लीड रोल करेंगे वो बॉबी पवार व अन्य साथी करेंगे और हमें एक उचित स्थान प्रदान किया जाए जहां से हम अपनी आवाज बुलंद कर सकें, वो बीच शहर में परेड ग्राउंड या गांधी पार्क हो सकता है, हमें कहीं किनारे ना भेजा जाए, एक अच्छी जगह पे जहां से हमारी आवाज बुलंद हो सके वहां पे भेजा जाए और बॉबी पवार अन्य साथियों की लीड में ही हमें इस सत्याग्रह को करने की अनुमति दी जाए। अच्छा ज्ञापन कब तक देंगे आप लोग? ज्ञापन बस तुरंत देने वाले हैं, लिख ही रहे हैं बस, अब जाने वाले हैं, 5-10 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे, दे देंगे डीएम। तो ये तमाम युवा हैं जो अभी भी देखिए शहीद स्मारक पर डटे हैं, उनका कहना है कि उनको प्रशासन से उनकी मांग है कि उनको दो जगह दी जाए, या तो गांधी पार्क में इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना दिया जाए या तो फिर परेड ग्राउंड, ये लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। साथ ही वो अब मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं बॉबी पवार उनके नेतृत्व में ही वो शांतिपूर्वक ढंग से गांधी पार्क या परेड ग्राउंड में प्रदर्शन करना चाहते हैं और साथ ही उनका कहना है कि जब तक सीबीआई की जांच परीक्षा धंधियों में नहीं होती है तब तक ये युवा शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन में डटे रहेंगे। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।